हे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने चैनल टेक एंड मॉडिफिकेशन में, और मेरा नाम है प्रिंस। तो दोस्तों, आज के इस न्यू और ब्रांड न्यू वीडियो में मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़, जिसको सुन के आप बिल्कुल ही पागल से हो जाओगे। जब मैंने ये चीज़ देखी तो मेरा भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था कि कभी ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, उस न्यूज़ के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। It's caught in the crossfire. मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, इस न्यूज़ को सुनने के बाद आपका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। जितने भी जो हैं MI Note 7 Pro के जितने भी जो यूज़र्स हैं, जो कोई भी उन्हें ऑन करता है उन फ़ोन को, जिनमें से एक मैं भी हूँ, वो जब मैंने ये बात सुनी तो मेरा भी विश्वास नहीं हुआ दोस्तों कि अब जो है Realme 3 Pro ही नहीं Fortnite जो है प्ले कर सकता है, क्योंकि अभी अभी फ़ोन लॉन्च हुआ है Realme की तरफ से। अब जो है हमारे प्यारे Redmi Note 7 Pro का ही जो है अपडेट आने वाला है, कुछ हफ्तों में या फिर अगले महीने में आ जाएगा ये जो अपडेट है MIUI का। तो दोस्तों, उसमें इस अपडेट में क्या होने वाला है कि जो आप Fortnite गेम है, जो सबसे जो हाई जो है वो मांगता है रिकमेंडेशन जो है प्रोसेसर की, सिर्फ हाई प्रोसेसर में जो है वो गेम जो रन कर पाता है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन में कुछ इस टाइप का जो है वो Fortnite गेम है। दोस्तों, ये जो गेम है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जो है फ़ोन्स में ही चल पाता है, जैसे एप्पल्स हो गया, और जो कि अभी अभी फ़ोन लॉन्च हुआ है Realme 3 Pro। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है MI ने देखते हुए Realme 3 Pro से टक्कर लेने के लिए अपने जो MI Redmi Note 7 Pro है उसमें जो है एक नया अपडेट लॉन्च किया है MIUI का। दोस्तों, वो जो वर्जन होने वाला है वो होने वाला है 10.2.10.0। दोस्तों, इस वर्जन के साथ ही साथ जो Redmi Note 7 Pro है वो भी अब सपोर्ट करने लगेगा जो है Fortnite का जो है प्ले, यानी कि दोस्तों आप जो अब जो Redmi Note 7 Pro है उसमें आप Fortnite खेल पाओगे और जितने भी बड़े गेम्स हैं वो भी खेल पाओगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है। इस न्यूज़ को जब मैंने सुना तो मेरे को तो विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। दोस्तों, जब माधव सेठ जो कि जो Realme 3 Pro के जो ओनर हैं, यानी कि CEO हैं उस कंपनी के, माधव ने जब अपने वीडियो में एक जो ट्वीट किया था जिसमें कि Realme 3 Pro जो Fortnite चल रहा था और साइड में जो Redmi Note 7 Pro पड़ा था, तो वो बात लगता है कहीं पे MI के दिल में लग गई है और उसने इस फ़ोन को डिफीट करने के लिए अपने इस फ़ोन में भी एक जो है अपडेट दिया है। तो दोस्तों, इस अपडेट के साथ जो है काफ़ी सारी जो है इस फ़ोन की जो अब और भी ज़्यादा हाइप बढ़ने वाली है, क्योंकि जो है Fortnite जो गेम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेम है दोस्तों, हाई ग्राफिक्स का गेम है। और दोस्तों, उसमें Fortnite में ना काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें भी हैं जो वहाँ पे जो PUBG में हम नहीं कर सकते, जैसे हम उसमें बिल्डिंग्स बना सकते हैं और कई सारी और भी एक्साइटिंग चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो बड़ी कंपनियाँ, एक तो है MI और एक है Realme 3 Pro, दोनों हैं जो लड़ रही हैं आपस में कि कौन जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रो फ़ोन निकाल पाएगा। तो यहाँ पे तो दोनों की टक्कर अभी बराबर हो जाएगी इस अपडेट के साथ। Fortnite जो है अब Redmi Note 7 Pro में भी सपोर्ट किया करेगा। दोस्तों, मैं तो अभी इस अपडेट का कर रहा हूँ इंतज़ार, जैसे ही अपडेट आएगा तो मैं तो पक्की एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इसके ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जहाँ से इस न्यूज़ को पढ़ा है तो वहाँ पे एक ये पिक थी, तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर ली थी वो पिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उन्होंने है Redmi Note 7 Pro पकड़ा हुआ है और उसमें Fortnite प्ले हो रहा है। तो यानी काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है, आने वाले कुछ ही दिनों में हमको जो है Fortnite देखने को मिलेगा अपने Redmi Note 7 Pro में। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी और भी ज़्यादा गेमिंग की न्यूज़ और फ़ोन की न्यूज़ मैं अपने इस वीडियो पेज और अपने इस चैनल में डालता रहता हूँ, अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ भी डालता रहता हूँ, तो वो सब ना खोने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, अब जो है यहाँ पे जो दो कंपनियाँ हैं वो जो है आपस में क्या कर रही हैं कि कंपटीशन बढ़ा रही हैं अपने दोनों फ़ोन को लेके। दोस्तों, अगर मैं सही बताऊं तो अब तो है तबाही मचने वाली है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हूँ इस गेम को खेलने के लिए। जब कभी भी ये जो है रिलीज़ होगा, यानी कि जब कभी भी ये फ़ोन में अपडेट आएगा, मैं तो तुरंत इस गेम को ही पहले डाउनलोड करूँगा। दोस्तों, ये गेम छोटा नहीं है, 5 से 6 GB का शायद ये गेम है। ठीक है, तो दोस्तों, जितने भी जो है MI के जो अपडेट सॉफ्टवेयर करने वाले जो
लोग हैं इंजीनियर्स हैं, उन्होंने भी ये अपडेट बना लिया है होगा। तो अब आगे एक दो हफ्ते में ये जो रिलीज हो जाएगा दोस्तों, मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हूँ। आप कितने एक्साइटिंग हैं ये मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और भी ज़्यादा ऐसी न्यूज़ जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और काफ़ी सारी और भी एक्साइटिंग वीडियोज़ अपने चैनल पर लाने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो कर दें लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।